हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की हिंदी को प्रारंभ करने वाले हैं। हम आज की इस वीडियो से हिंदी के काव्यखंड को प्रारंभ करेंगे। तो आपके काव्यखंड का जो प्रथम पाठ है वह सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी द्वारा रचित सुर सागर से अवतरित पद है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हम अपने पाठ को और इसके सुंदर पदों की व्याख्याओं को देखते हैं। तो आपके पाठ में सुरसागर का जो प्रथम पद दिया गया है वह है, चरण कमल बंधौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधौ तिहि पाई। ठीक है, इस प्रमुख पद में, प्रस्तुत पद में सूरदास जी अपने इष्ट के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति जो है वह है, चरण कमल बंधौ हरि राई, कि मैं अपने इष्ट के, अपने श्री कृष्ण के चरण रूप, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, कि मैं अपने इष्ट के कमल रूपी कोमल चरणों की वंदना करता हूँ। आगे क्या कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। जाकी कृपा कह रहे कि मेरे इष्ट की कृपा ऐसी है कि जिस पर भी उनकी कृपा हो जाए, पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को चढ़ करके पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और उनकी कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो, किसी अंधे व्यक्ति पर भी हो जाए तो वह अंधा व्यक्ति भी सभी कुछ देख सकता है। फिर आगे उनके गुणों की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं सूरदास जी, अब बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब होता है भिखारी, ठीक है, भिक्षुक। तो बहिरे सुने, इनकी कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति है वह भी बोलना प्रारंभ कर देता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी व्यक्ति है वह भी राजा महाराजाओं की तरह छत्र धारण करके चलना प्रारंभ कर देता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंधौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे करुणामय स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में बार बार विनम्रता से वंदन, आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आपके चरणों की पूजा करता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इस पद को पूर्ण रूप से देख लेते हैं, फिर अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, चरण कमल बंधौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधौ तिहि पाई। कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, और ठीक है, वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, हे ईश्वर, आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने में सक्षम हो जाता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और आपकी ही कृपा मात्र से बहरा व्यक्ति सुनना प्रारंभ कर देता है, और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, हे ईश्वर, आपकी कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो जाए वह क्या हो, रंक से राजा बन जाता है, और राजा की तरीके छत्र धारण करा करके चलना प्रारंभ करता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंधौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे करुणामय स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ यह साधारण सा पद, आपको छोटा सा पद की व्याख्या जो है वह समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आपका जो अगला पद है वह है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल कोरस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहू सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। यहाँ पे सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्ति का जो दुर्गम मार्ग है उससे बच करके सगुण ब्रह्म की उपासना करने के बारे में कह रहे हैं। वह कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत ना आवे, अभिगत अर्थात निर्गुण ब्रह्म, ठीक है, अभिगत का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म। गति, उनकी जो गति है, कछु कहत ना आवे, उनके विषय, उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उनकी गति के विषय में या उनके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं,
जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कहते हैं कि यह निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का जो रस है वह उसी प्रकार है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति अगर मीठे रस का पान कर लेता है तो वह उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, लेकिन जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, लेकिन वह अंतर मन में ही उस फल के रस की भावनाओं को जो अंतर मन में उनकी जो भावनाएं है कि फल बहुत ही मीठा है उसको वह महसूस कर सकता है लेकिन उसको प्रकट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जिसे निर्गुण ब्रह्म प्राप्त हुए हैं वही निर्गुण ब्रह्म को समझ सकता है, दूसरा और व्यक्ति नहीं समझ सकता। यहाँ पे सूरदास जी यह कहना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। आगे कहते हैं कि जो इस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का जो रस है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, जिसको प्राप्त हुआ है उसी को यह निरंतर अमित तोष उपजावे, कभी ना खत्म होने वाला संतोष दे सकता है। कि परम स्वाद सब ही सुन, जो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का जो परम स्वाद है उसे केवल उसी को वह संतोष दे सकता है जिसे वह प्राप्त हो गए हैं। आगे क्या कहे जा रहा है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे हैं कि मन अर्थात मन से वाणी यानी वाणी से अगम अगोचर, ठीक है, अगम का अर्थ है अगम में जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, कि निर्गुण ब्रह्म जो है वह मन वाणी और इंद्रियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उन तक पहुंचना बहुत ही दुर्गम है। सो जाने जो पावे वही उनको जानता है जो इनको पा चुका है। सो जाने मतलब जिसने जाना है, जो पावे जिसने पाया है, जिसने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है वही निर्गुण ब्रह्म को जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। निरालंब का मतलब होता है बिना किसी सहारे के, रूप बिना रूप के, जो निर्गुण ब्रह्म है वो बिना किसी रूप के रेख के हैं, बिना किसी रूप के हैं। गुण उनका गुण का भी कोई पता नहीं है, जाति उनकी जाति के विषय में भी कुछ पता नहीं है, जुगति मतलब होता है योजना, बिनु बिना, ठीक है। कहते हैं सूरदास जी कि जो निर्गुण ब्रह्म है ना तो उनका रूप है, ना ही रंग है, ना ही उनकी कोई गुण है, ना ही कोई उनकी जाति है, तो बताओ इन सब के बिना निरालंब कित धावे, तो बिना इन सब के हम कहाँ इनको बिना सहारे के धावे अर्थात दौड़ते फिरे ढूंढते फिरे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सभी विधियों पर विचार करने के बाद मैं यह निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि सगुण पद गावे, कि मैं सगुण ब्रह्म की ही उपासना करूंगा, सगुण ब्रह्म के ही पदों का गायन करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ पद समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इस पद की व्याख्या को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उनके बारे में कुछ भी कह पाना असंभव है, ठीक है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, कि जो निर्गुण ब्रह्म है उनकी गति के विषय में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परब्रह्म ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति किसी स्वादिष्ट फल के रस का पान करके बहुत ही अंतर मन में प्रसन्न होता है और उसे अंतर्गति भावे और उसे अंतर मन में ही वह जो फल का रस है वह भाता रहता है, ठीक है, परंतु उसके विषय में वह बता नहीं पाता है, ठीक। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म जिसे प्राप्त हुए हैं केवल वही उनके बारे में जान सकता है, उनको उनके बारे में समझ सकता है, उसके उनके रस का पान कर सकता है, अन्य और कोई नहीं जिनको वो प्राप्त नहीं हुए उनको ये प्रकार इस प्रकार के किसी भी रस को प्राप्त नहीं कर सकता। वो परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, कह रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्ति का जो परम स्वाद है सब ही सुनिरंतर, ठीक है, केवल उसी को निरंतर अमित तोष उपजावे, अमित तोष यानी अमित संतोष प्रदान करता है जिसको वह प्राप्त हो गए हैं। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, कि जो आपके निर्गुण ब्रह्म है मन वाणी को अगम अगोचर, वह ना तो मन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ना तो ही वाणी से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन तक पहुंचना भी बहुत दुर्गम है और अगोचर अर्थात वह इंद्रियों से भी परे हैं। सो जाने जो पावे, इनको निर्गुण ब्रह्म को वही जान सकता है जो इनको
प्राप्त कर चुका है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब के धावे कि बिना किसी रूप रंग गुण जाति और बिना किसी योजना के बिना किसी सहारे के हम इनको प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़ते फिर। ठीक है, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सभी विधियों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मैं सगुण ब्रह्म के पदों का ही गायन करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला पद है वह है किलकत कान गुटरवनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरबे धावत कबहु निरखि हरि आपह छाको कर सो पकरन चाहत किलकि हसत राजत दौदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती करि करि प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावटी अचरा तर ले धाक सुर के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटरवनी आवत कि जो कान है कान्हा है। ठीक है, जो श्री कृष्ण है उनको कान्हा कहा जाता है, तो कान्हा है जो बच्चे होते हैं वो किलकारी मारते हुए आते हैं। तो कहते हैं कि जो किलकट कान घुटरवनी आवत कि घुटनों के बल श्री कृष्ण जो कान्हा है जो श्री कृष्ण है वह घुटने के बल आवत अर्थात आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं उसको बारे में आगे के पद अगली लाइन में देखिए। मणिमय कनक मणिमय मतलब होता है मणि से युक्त, कनक का अर्थ होता है सोना। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरबे धावत वहाँ नंद बाबा के मणि और सोने से युक्त आंगन में दौड़ते हुए बिंब पकिरबे धावत अपने बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है, पुनः इसको देख लेते हैं। किलकत कान गुटरवनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरबे धावत कि जो कान्हा है जो श्री कृष्ण है वह अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए किलकारी मारते हुए नंद बाबा के मणि से युक्त सोने के आंगन में दौड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कबहु निरखी, निरखी मतलब होता है देखना। ठीक है, कबहु निरखी हरि आपहु छाको कि कभी हरि अर्थात जो श्री कृष्ण है अपनी छा अपनी परछाई को देख रहे हैं। कर सो पकरन चाहत, कर का अर्थ होता है हाथ, और वह अब कभी अपनी परछाई को देखते हैं और कभी अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। फिर आगे क्या है, किलकई हसत राजत दौदतिया पुनि पुनितिहि अवगाहत, वह जब इस तरीके का कार्य कर रहे हैं अपनी छाओं को पकड़ने का, कभी उसको देख रहे हैं, तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को करते हुए वह किलकारी मारते हुए किलकई हसत राजत, जो किलकारी मार के हंसते हैं और उनके किलकारी मारते हुए हंसते समय जो उनके मुख में जो सुंदर सुंदर दो दांत हैं वह अति शोभायमान हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वह पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि अवगाहत बार बार वह अपने इन सुंदर सुंदर दांतों को दिखा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आ गया होगा। आगे की लाइन को देखते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। आगे सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देख करके यह उपमा एक राजती, एक उपमा। ठीक है, एक उपमा याद आती, एक उपमा देते हुए वह कहते हैं कि करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देख करके यह ऐसा प्रतीत होता है, एक उपमा राजती अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो वसुधा है अर्थात जो धरती है उसने प्रत्येक मणि पे करी करी प्रतिपद यानी हर एक पद पर प्रतिमणि हर एक मणि में कमल बैठकी साजती, कमल के पुष्पों की बैठकी सजा दी है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की कनक भूमि पर छाया को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रतिपद यानी हर कदम पर हर मणि में वसुधा अर्थात धरती ने कमल के पुष्पों की बैठकी अर्थात बैठने के लिए आसन बिछा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, और बालक के इस प्रकार की दशा को, इस प्रकार की दशाओं को देख करके, बाल लीलाओं को देख करके
सुख निरख जसोदा, उस निरख अर्थात देख देख करके जसोदा, जसोदा माता श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को यशोदा माता देख करके मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। पुनि पुनि नंद बुलावटी, और बार बार वह नंद बाबा को बुलाती हैं। फिर आगे क्या है, अचरा तरते ढांकी, फिर वह अपने प्यारे श्री कृष्ण को अपने आँचलों से ढांक करके सुर के प्रभु को दूध पिलावती, और वह सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं अपने आँचलों से ढांक करके। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे पद का, फिर अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये पद है वह है, किलकत कान घुटरवनी आवत, मनिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरबे धावत, कबहु निरखि हरि आपौ छापो करसो पकरन चाहत, और किलकि हसत राजत दो दतिया पुनि पुनितिहि अवगाहत, और कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावटी, अचरा तरते झाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। अर्थात यहाँ पे बाल लीलाओं का वर्णन यानी उनकी बाल दशाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जो नंद बाबा का मणियों और स्वर्ण से युक्त जो आंगन है, उस आंगन में किलकारी मारते हुए अपनी परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं। कबो निरखे हरि आपो छापो, कभी वह अपनी परछाई को देखते हैं और कभी उसे अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार की अटखेली में जब वह किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके मुख में जो दो सुंदर दांत हैं वह अत्यंत शोभायमान होते हैं, और बार बार वह इस प्रकार के क्रियाकलापों को करते हुए अपने दोनों दांतों को दिखा रहे हैं। कनिक भूमि पर कर पक छाया, और जो नंद बाबा का स्वर्ण भूमि है उस पर उनके हाथों कर अर्थात हाथ पग अर्थात पैर, उनके हाथों पैरों की जो छाया है वह देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वसुधा अर्थात धरती ने प्रत्येक मणि पर कमल की बैठकी सजा दी, यानी कमल के पुष्पों का आसन लगा दिया है। और इस प्रकार की बाल दशाओं को देख करके यशोदा माँ अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं और श्री नंद बाबा को बार बार पुकारती हैं, और उसके पश्चात वह श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के आंचल से ढाक करके अपने प्रिय ललना को, अपने प्रिय कान्हा को दूध पिलाती है। ठीक है, आशा करता हूँ यह सुंदर पद और यह जो मनोरम दृश्य श्री कृष्ण की बाल छवि का यहाँ पे सूरदास जी ने किया है वह आपको अत्यंत पसंद आया होगा और व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पद को देखते हैं। अगला पद है हमारा, कि मैं अपनी सब गाय चरे हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों, और ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, और आजीव न सो नंद दुहाई रैनी रहेंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहे हों, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं देहूँ। यहाँ पे और एक बार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जैसे एक बालक होता है वह अपनी बाल लीलाओं के, अपने बालपन के कारण हट करता है, किसी भी चीज़ की हट करता है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी अपनी माता यशोदा से हट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, कि हे मैया मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा, प्रात होत बल के संग जय हो, बल का अर्थ है बलराम। ठीक है, श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था तो बल का अर्थ यहाँ पे बलराम से है। प्रात होत यानी प्रातः काल होते ही बल के संग जय हो, मैं बलराम भैया के साथ गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो और मैं तेरे रोकने से भी अब नहीं रुकूंगा। ठीक है, हे मैया मैं अब अपनी सारी गायों को चराऊंगा और प्रातःकाल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और अब आपके कहने पर भी मैं अब रुकूंगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्वाल बाल गईनी के भीतर न कहूँ बिल्कुल भी, न कहूँ मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, डर नहीं लागत, ठीक है, मुझे डर नहीं लगता। कहते हैं ग्वाल बाल यानी कि जो ग्वालपाल है, ठीक है, उनके गईनी अर्थात गायों ग्वालपालों और गायों के साथ नैको डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आजू ना सो, सो मतलब वो का सोऊंगा नंद दुहाई, नंद दुहाई का अर्थ होता है कसम। कहते हैं हे मैया आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ, नंद बाबा की सौगंध खाता हूँ,
रहनी रहेंगो जागत, रहनी का मतलब रात, रहेंगो मतलब रहूंगा, जागत जागता कि हे मैया मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ, मैं नंद बाबा की सौगंध खाता हूँ कि मैं आज रात सोऊंगा नहीं, और ग्वाल सब गाय चर रही हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। और प्रश्न करते हैं मैया से कि हे मैया सारे ग्वालपाल अपनी अपनी गायों को चराएंगे तो क्या मैं घर पर ही बैठा रहूँगा, मैं अपनी गायों को नहीं चराऊँगा। ठीक है, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में देहूँ। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के बाल हट को देख करके माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे पुत्र तुम सो जाओ, श्याम तुम सोई रहो, तुम सो जाओ अब, ठीक है, प्रात जान में देहूँ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, आशा करता हूँ यह सुंदर और जो मनोरम चित्रण यहाँ पे सूरदास जी ने किया है वह आपको पसंद आया होगा और व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला पद है क्या है, यह भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है और सूरदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्या लिखा है चलिए देखते हैं। भाई मैया हौ न चरे हूँ गाय, ठीक है, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, और जो न पत्याही पूछी बलदा हुई अपनी सोह दिवाई, या सुनी माई जसोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई, और मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ती ही रिंगाई। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनका क्या होता है कि थोड़े समय के लिए हट होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए हट करते हैं और थोड़े समय बाद ही उसी चीज़ से उनका मन भर जाता है। तो उसी प्रकार से अभी ऊपर के पद में जो हमारे श्री कृष्ण थे, बाल श्री कृष्ण थे, वह हट कर रहे थे कि हे माँ अब मैं ग्वाल पालों के साथ गाय चराने जाऊँगा, लेकिन इस पद में वह अब गाय चरा करके थक गए हैं। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि मैया हों न चरे हों गाय, कि हे मैया मैं अब गाय नहीं चराऊँगा। ठीक है, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल घिरावत मतलब घेरा कराते हैं, मोसो कि हे मैया मैं अब अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जितने भी ग्वालपाल हैं वह सबके सब अपनी अपनी गायों को मुझसे ही घेरा कराते हैं, मुझसे ही एक जगह पे चरवाते हैं। ठीक है, मेरी पाई पिराई और सभी गायों को दौड़ दौड़ के पकड़ करके लाने में, एक जगह इकट्ठा करने में मेरे पाए पिराने लगती हैं, मेरे पैर क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। जो ना पता ही पूछी बलदाहू अपनी सौदियाई, और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, बलदाहू ही पूछी बल तो बलदाहू अर्थात बलराम भैया से आप पूछ लीजिए अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके, अपनी सौह मतलब होता है सौगंध या कसम, अपनी कसम दे करके अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हे मैया आप बलदाऊ से पूछ लीजिए अपनी कसम को दे करके। फिर क्या होता है, इतनी बात सुनने के बाद छोटे बालक श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद जसोदा माँ क्या होती हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और वो कहती हैं या सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, या बात को सुन करके, इस प्रकार के श्री कृष्ण के प्रलाप को सुन करके जो माँ यशोदा है वह इतनी बात को सुनकर के जो माँ यशोदा है वह ग्वालनी गारी देती रिसाई, वह ग्वाल पालों को या जो ग्वालनियाँ हैं उनको गारी देती, गाली देती है रिसाई अर्थात गुस्सा करके, वह क्रोधित होकर के इतनी बात सुन श्री कृष्ण की इस प्रकार की बातों को सुन करके गुस्से में माँ यशोदा ग्वालियों को जो ग्वालपाल है और जो ग्वालनियाँ हैं उनको गाली देना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, आगे क्या कहती, मैं पठवती अपने लड़का, पठवती मतलब होता मैं भेजती हूँ, ठीक है, अपने लड़का, लड़का मतलब अपने पुत्र को, कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, कि मैं तो अपने लड़के को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ही रंगाई, और मेरा जो बालक, सूरदास जी कहते हैं यशोदा माता के जरिए कि मेरे अति बालक, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, जो मेरा श्याम है, जो मेरा कान्हा है, वह तो अभी बहुत ही छोटा बालक है, मारत ताही रिंगाई, क्या ये सभी लोग उसको चला चला के मार डालेंगे। इस प्रकार से वह बोल बोल करके गुस्सा करती हैं ग्वालनियों के ऊपर। ठीक है, एक बार और पुनः इसको देख लेते हैं, क्या है, मैया हो न चरे हों गाय, कि हे मैया अब मैं अपने गायों को नहीं चराऊंगा क्योंकि जितने भी ग्वालपाल हैं वह मुझसे ही अपनी सारी गायों को चरवाते हैं और मेरा टहल टहल करके पैर दर्द होने लगता है, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ को बुला करके अपनी कसम देकर के उनसे पूछ सकती हैं, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई। इस प्रकार की श्री कृष्ण की बातों को सुन करके माँ यशोदा गुस्से में ग्वालिनियों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई, कि मैं तो अपने लड़का को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ,
या और मेरा जो श्याम है वह तो अभी बहुत ही छोटा बालक है, क्या यह सभी लोग उसको चला चला के मार डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का सुंदर वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का किया है। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद आपको पूर्ण रूप से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम सूरदास के पदों को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में सूरदास के सुर सागर से अवतरित आगे के पदों की व्याख्या को हम देखते जाएंगे, ठीक है, और समझते भी जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सभी तक यह बात पहुंचाइए कि द रेज इंस्टीट्यूट अब पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और जहां पर वह अपने YouTube के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से लगातार क्लास 9 टू क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करते चलिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के पदों के साथ। थैंक यू सो मच।